हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन में कोमुटेटिव और एसोसिएटिविटी चेक करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोमुटेटिव और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कोमुटेटिव में हमारे पास ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ए और बी जो सेट ए है उसको बिलोंग करना चाहिए। और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब है कि सबसे पहले हम ए और बी का जो स्टार है उसको ओपन करेंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको ओपन करेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर सी के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन के साथ फिर से कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पर बी स्टार सी को पहले ओपन करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ए जो एक नंबर बचेगा सबसे पहले नंबर पे उसके साथ उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होने चाहिए, तब जो स्टार ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। और ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर हो तो कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। आइए कुछ एग्जांपल के साथ चेक करते हैं। ये है हमारे एग्जांपल, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ओवर फोर। और दूसरा एग्जांपल है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी बिलोंग करेंगे सेट क्यू को। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ओवर फोर। तो हमें सबसे पहले कोमुटेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। कोमुटेटिव ये स्टार तभी कोमुटेटिव होगा जब ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर आएगा। तो ए स्टार बी इट इज गिवन टू यू, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ओवर फोर, इसको हम नंबर वन मार्क कर लेते हैं। अब हमें बी स्टार ए निकालना है। तो बी स्टार ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से बी स्टार ए ओपन करेंगे। मतलब पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पे बी है। यहाँ पर ए स्टार बी को कैसे ओपन किया हुआ है, इन्होंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है और फोर से डिवाइड किया हुआ है। हम भी ऐसा ही करेंगे, पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए को और उसके फोर से डिवाइड कर देंगे। और फ्रेंड्स, हमें पता है ए और बी और बी और ए बराबर होते हैं क्योंकि नंबर में मल्टीप्लिकेशन कोमुटेटिव होती है। ए बी ओवर फोर और इसको हम दे देंगे दो नंबर। अब ए बी ओवर फोर, ये भी ए बी ओवर फोर है, ये ए स्टार बी है, ये बी स्टार ए है। इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। आइए अब हम दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें भी कोमुटेटिविटी चेक करेंगे। पहले ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज गिवन टू यू। अब हम बी स्टार ए निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो ए स्टार बी कैसे है, प्लस का साइन है, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ये भी वैसे ही होगा, बी स्टार ए आएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब यहाँ पर बी है, और सेकंड नंबर यहाँ पर ए है। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और यहां से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये बराबर है, देयर फोर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, दिस इंप्लाइज स्टार इज कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हम इन दोनों क्वेश्चन में एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। सो ए बी स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ओवर फोर, हम यहाँ पर तीन नंबर सपोज करेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें प्रूव करना है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले हम ए स्टार बी स्टार सी फाइंड आउट करते हैं। ए स्टार बी इज गिवन टू यू, हम यहां पर ए बी ओवर फोर लिख देंगे, इस स्टार को खत्म करेंगे, इसकी जगह ए बी ओवर फोर यहां से जो हमें दिया हुआ है वो लिख देंगे, स्टार सी एज इज। अब अगले स्टेप में ए बी ओवर फोर को हम एक जगह अज्यूम कर लेंगे और सी को बी की जगह, तो ये बनेगा जो नंबर ये है ए बी ओवर फोर एक जगह आ जाएगा, बी की जगह आएगा सी और फोर अपनी जगह पे आएगा। तो जब इस स्टार को हम खत्म करेंगे तो यहां पर ए बी ओवर फोर की जगह आएगा ए बी ओवर फोर, एक जगह आएगा ए बी ओवर फोर पहला नंबर और इनटू दूसरा नंबर सी और हम फोर से डिवाइड करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके ए बी सी ओवर ये फोर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16, इसको दो नंबर मार्क कर लेंगे। इसी तरह से अब हम ए स्टार बी स्टार सी फाइंड आउट करेंगे। अब हम बी स्टार सी की जगह यहां पर ए की जगह बी लिखेंगे, बी की जगह सी, तो यहां से आएगा बी सी ओवर फोर, हम यहां पर लिखेंगे बी सी ओवर फोर। फिर इस स्टार को, पहले ये स्टार हमने खत्म किया, अब ये स्टार खत्म करना है, तो इस स्टार की जगह यहीं से ही ए की जगह ए आएगा और बी की जगह आएगा बी सी ओवर फोर, हमारा पहला नंबर यहां से ए बी ओवर फोर की जगह आएगा ए पहला नंबर, दूसरा नंबर बी सी ओवर फोर और डिवाइड करेंगे हम फोर से, पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी सी ओवर फोर और फोर से डिवाइड करना है, तो ये हमारा आंसर बनेगा फिर ए बी सी ओवर 16, इसको हम नंबर तीन मार्क कर लेंगे। अब फ्रॉम टू एंड थ्री ए बी सी ओवर 16, ए बी सी ओवर 16, देयर फोर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयर फोर स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम तीन नंबर सपोज कर लेंगे, ए बी सी बिलोंग टू द गिवन सेट क्यू। यहाँ भी हम इस क्वेश्चन की तरह ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी प्रूव करेंगे। ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, तो सबसे पहले ए स्टार बी ये हमें दिया हुआ है, इसकी जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये एक नंबर बन जाएगा स्टार सी। अब हम इस सारे नंबर को एक नंबर अज्यूम करेंगे फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड, और यहां से ए स्टार बी से इसको सोल्व करेंगे, मतलब ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा
ए की जगह आएगा और ये आएगा बी की जगह, तो ये बनेगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ये नंबर हमारा ए की जगह आया हुआ है, स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, प्लस और बी की जगह आया है सी, तो ये सी स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से यहां पर ए स्टार अपनी जगह पे और बी स्टार सी की जगह, हम यहां पर ए की जगह बी लिखेंगे, बी की जगह सी लिखेंगे, तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्टार अपनी जगह पे। अब इस स्टार को हमने खत्म करना है तो इसी से ही करेंगे, ए स्टार सी, मतलब पहले नंबर पे ए लिखेंगे एज इट इज, तो इसका ए स्क्वायर बनेगा, दूसरे नंबर पे बी की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, तो हमें पहले नंबर पे ए लिखेंगे और दूसरे नंबर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बनेगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर भी है तो ये होल स्क्वायर। अब हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे और इसको भी एक्सपेंड करेंगे, फिर चेक करेंगे आंसर बराबर है या नहीं। इसको एक्सपेंड करके हमारा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a² बी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करके आएगा ए स्क्वायर एज इट इज बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2b² सी स्क्वायर। अब हम जब इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हेंस स्टार इज नॉट कोमुटेट नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, इट इज नॉट अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये था आज का वीडियो कॉमुटेटिव एंड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।